हे गाइस, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो काली पूजा के शुभ अवसर पर मैं आपको दुर्गापुर के टॉप 5 पंडाल में घुमाने वाला हूं। तो मैं आ पहुंचा हूं पहले पंडाल में, जिसका नाम अमर कोजोन बॉयज क्लब है। यह क्लब हमेशा कुछ न कुछ यूनिक मॉडल लेके आती है और चर्चे में रहती है। तो चलिए इस बार देखते हैं इसने क्या नया किया है। दोस्तों, यहाँ का थीम ओल्ड इंडिया पे है। यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि पुराने भारत में क्या होता था। तो देखिए, अभी हम पंडाल के एक्सटीरियर को देख रहे हैं। पहले हमने एक हाथी के मॉडल को देखा, उसके ऊपर पे कुछ लोगों को बिठाया गया था और नीचे कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। तो यह हमारे भारत के पुराने इतिहास को दर्शाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि लोग तभी हाथी का इस्तेमाल किया करते थे और लोग ढोल नगाड़ा बजाया करते थे किसी जश्न को मनाने के लिए। तो चलिए अब हम इंटीरियर्स को देखने के लिए अंदर चलते हैं। सीलिंग पे देखिए कितना खूबसूरत कलाकृति की गई है, और अंदर आते ही देखिए कलर टेक्सचर कितना कमाल का है। और हमारे सामने अभी एक बैलगाड़ी है, उसके आगे एक बहुत पुरानी सी लाइट है जिसका नाम पेट्रोमैक्स था। ये पहले के टाइम में पाया जाता था और बहुत ही खूबसूरत लाइट किया करता था। देखिए सीलिंग कितना कमाल का है। यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स लगाए गए हैं, बेल लगाए गए हैं और सांखा लगाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पंडाल का इंटीरियर्स बहुत ही कमाल का है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कलर टेक्सचर। मुझे देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ को सजाया गया है। दोस्तों, अब आप माँ काली का दर्शन कर सकते हैं, मूर्ति बहुत ही प्यारी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये बैलगाड़ी का मॉडल बहुत ही खूबसूरत है, उम्दा है, बहुत ही बेमिसाल, लाजवाब। इसमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है पुराने भारत के हर एक कल्चर और एक्टिविटी को। देखिए, पुराना सा घड़ा का भी मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे लोगों को शहनाई बजाते हुए, ढोल और नगाड़े बजाते हुए भी मॉडल को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर सा कारीगरी है, बहुत ही डिटेलिंग, बहुत ही ज्यादा कमाल, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती तरीके से यहाँ पे पुराने भारत को दर्शाया गया, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, ये सांखा है जो कि पहले लेडीज पहना करती थी हाथों में। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं दूसरे पंडाल में, जिसका नाम एडिशन पंडाल है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो अभी आप माँ काली का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हम तीसरे पंडाल पे आ पहुंचे हैं, जिसका नाम गोल पार्क है। और यहाँ का थीम बिल्कुल ही यूनिक है, अलग है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ का थीम स्वर्ग और नर्क लोक के ऊपर बनाया गया है, तो हम देखेंगे आगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे हिमालय पर्वत को दिखाया गया है। इंसान के मृत्यु होने के बाद स्वर्ग लोक और नर्क लोक पर जो गाथाएं हैं, उस आधार पर यहाँ के थीम को बनाया गया है। तो देखिए, मृत्यु होने के बाद सबसे पहले यमराज के पास ले जाया जाता है मनुष्य को, और चित्रगुप्त के पास उनके जीवन का लेखा जोखा होता है। तो उस आधार पर यहाँ के मॉडल को भी दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पे यमराज बैठे हुए हैं और यहाँ पे लोगों का डिसीजन होने के बाद कि वह स्वर्ग लोक जाएंगे या नर्क लोक, आगे भेजा जाता है। तो अभी ये नर्क लोक की तरफ पहले हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि जिनके जो कर्म होते हैं, उस आधार पर लोगों को ऊपर में काटा जाता है, या फिर आगे देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा, ये तेल में उनको झोंका जाता है, या फिर और आगे चलते हैं, ऐसे ही अलग अलग चीज, भाले से उनको मारा जाता है। तो ये नर्क लोक का एक सैंपल मॉडल हमें दिखाया गया है, और आगे में फिर इंद्र भगवान का एक स्वरूप दिखाया गया है, और अब हम स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हमने नर्क को देखा, अभी यह स्वर्ग की एक सुंदर रूप हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही कमाल का। और सीलिंग पर यहाँ पे परी को दिखाया गया है, एक खूबसूरत नज़ारा। तो कर्म के आधार पर स्वर्ग और नर्क को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसी स्वर्ग लोक में माँ काली की प्रतिमा लगाई गई है, जो कि बहुत ही अद्भुत, कमाल और सुंदर का है। तो अपने कर्म पर हर एक मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा, कर्म पर ध्यान दे, तो माँ काली का दर्शन करें और जय माँ काली कमेंट सेक्शन में लिखें।
अब हम चौथे पंडाल पर आ पहुंचे हैं। इसका नाम भगत सिंह काली पूजा पंडाल है। यहाँ पे एक भवन निर्माण को दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है बाहर के एक्सटीरियर्स में कि ऊपर में कोई एक महल सा बन रहा है, वहाँ पे हाथी पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने कड़ी मेहनत के साथ में उस भवन को पूरा करने के लिए उस निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का दृश्य, देखिए बहुत ही मज़ेदार है। चलिए दोस्तों, अब हम पंडाल के अंदर चलते हैं और इंटीरियर्स को भी देखते हैं कैसा है। तो हम आ पहुंचे हैं पंडाल के अंदर। देखिए यहाँ के इंटीरियर्स को भी ब्रिक्स ब्लॉक का डिजाइन दिया गया है, जो कि घर का एक मॉडल लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है और आप अभी माँ काली का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हम आ पहुंचे हैं पांचवें पंडाल पर। यहाँ पर एक ब्रिज का मॉडल बनाया गया है। गेमोन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके द्वारा बनाया गया एक ब्रिज के मॉडल पर ही यहाँ का पंडाल को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल है, आप माँ काली का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर, जय माँ काली।